प्री स्क्रीनिंग कॉल, वीडियो ऑन कर लीजिए सब जन, ठीक है, हितेश कुमार, ठीक है, हरी, वीडियो ऑन कर लीजिए। तो प्री स्क्रीनिंग कॉल में नंबर 1 थिंग जो आपका होगा, प्री स्क्रीनिंग कॉल, तो आपका कॉल आता है, ठीक है, तो आपको कॉल में पहले ध्यान देना है कि कॉल कहाँ से आया, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड नंबर 1 थिंग कि प्री स्क्रीनिंग कॉल में कॉल कहाँ से आया, तो उसको पहले पूछना है आपको। नंबर 1 द थिंग विल बी कि आपका ये कहाँ से कॉल आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब कॉल आएगा आपका, तो पूछेगा इज द राइट टाइम टू स्पीक, पूछेगा इज दिस द राइट टाइम टू स्पीक। सुन लो, अब जब हम सवाल पूछेंगे तो हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तनु वीडियो ऑन कर लो, करुणा, करुणा का ही, ज्योति, हाँ, इज दिस द राइट टाइम टू स्पीक, तो इज दिस द राइट टाइम टू स्पीक बोलेगा, उसको बोलना है येस एट एनी कॉस्ट, ठीक है। फिर पूछेगा तुमको कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या वो पूछेगा कि वी आर लुकिंग फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोफाइल, वी आर लुकिंग फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोफाइल और दैट टाइप ऑफ प्रोफाइल, क्लियर अबाउट इट। हाँ, तो उसको प्रोफाइल को अच्छे से पूछना है कि विच प्रोफाइल इज दिस, विच लोकेशन इट बिलोंग्स, ठीक है, विच प्रोफाइल इज दिस, विच लोकेशन इट बिलोंग्स, वो आपको पूछना है उसको, ठीक है। वंस ही टेल्स अबाउट द लोकेशन एंड द प्रोफाइल, फिर वो तुमको पूछेगा कि हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू हैव, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू हैव, क्लियर अबाउट इट। अगर आप सीए में हो तो अटेम्प्ट जनरली नहीं पूछता है वो, पर जनरली वो अटेम्प्ट्स पूछेगा। अटेम्प्ट्स में आपको 3 ही बोलना है उसको, मेक इट वेरी क्लियर, ओके। बोलेगा व्हाई यू हैव ओनली 3 अटेम्प्ट्स, व्हाई यू हैव ओनली 3 अटेम्प्ट्स, वो पूछ सकता है कि आपको पूछेगा कोई रेज्यूमे को देख के कि इट लुक्स लाइक यू हैव मोर देन 3 अटेम्प्ट्स, ठीक है। या हरी वीडियो ऑन कर लो, हरी, हरी वीडियो ऑन कर लो, हरी एंड करुणा, ठीक है। हरी, आई वॉन्ट यू वीडियो टू बी ऑन, हाँ हरी, एम आई ऑडिबल, हरी मेरे यस को वीडियो ऑन चाहिए, ठीक है। तो हरी आवाज आ रहा है तो मेरा, हाँ वीडियो ऑन कर लीजिए, ठीक है। हरी, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, क्या मैं एक सौ रिपीट करवाएगी फिर से, कीप यस सर, इट वीडियो ऑन, यस हाँ सर, यू आर तो ऑडिबल। आपको, हाँ कीप इट वीडियो ऑन, एक बार ऑन करिए, ठीक है। आपका वीडियो मेरे को नहीं दिख रहा है, ऑन, कीप इट ऑन, सर एक्चुअली ये रूम का लाइट ये बंद हो गया है। हाँ आपका एक बार सीवी हमको व्हाट्सएप करिए पर जल्दी से ग्रुप में, आपका वीडियो, आपका, ओके हाँ सर, आपका सीवी वालों के पास रहता है, मैं एक डेमो दिखाता हूँ, ठीक है। सीवी व्हाट्सएप करिए ग्रुप में, एक बार सारा मंसूरी आपका भी व्हाट्सएप करिएगा, 3 जन का और बोलो, हितेश तुम अपना व्हाट्सएप करो सीवी को, ठीक है। हितेश कुमार, सारा मंसूरी एंड हरी गोविंद, जो भी आपका सीवी है एक बार व्हाट्सएप करिए, ठीक है। जल्दी जल्दी ग्रुप में करिए व्हाट्सएप, आप भी करिए, क्या नाम है, सारा मंसूरी एंड हितेश कुमार, प्लीज व्हाट्सएप योर सीवी। संजना तुम भी कर लो सीवी व्हाट्सएप करो, जल्दी, हाँ सर, सर सीवी करना है ना हाँ व्हाट्सएप, सीवी व्हाट्सएप करो जल्दी से। तन्नू सब वीडियो ऑन रखना, हरी गोविंद आवाज आ रहा है, वीडियो प्लीज ऑन रखेंगे आप लोग सब जन, प्लीज यस कीप द वीडियो ऑन, स्मृति, तन्नू, आई विल नॉट हियर एनीथिंग, हाँ ठीक है। तो अब तुम्हारा ये हरी गोविंद है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सीवी उसके पास है, ठीक है, ये हैव दिस सीवी, ठीक है। हरी गोविंद आवाज आ रहा है आपको मेरा, यस सर, आप लोग बाकी वीडियो प्लीज ऑन रखिए, तन्नू संजना, ठीक है। आपका क्या प्रॉब्लम चल रहा है, लाइट का प्रॉब्लम है क्या कुछ, यस सर, लाइट का सर लाइट प्रॉब्लम का दिक्कत हो रहा है। सबको होने लग गया, वो सब मदद करेगा, ठीक है। मैं नहीं सर, आपका पुणे सीवी में खोल रहा हूँ, बारिश की वजह से नहीं आ रहा। आपका सीवी खोल रहा है मैं स्लोली, ठीक है। संजना सीवी दे दिया ना, सर एक फॉरवर्ड किया, अभी 3 और मैं कर दे रही हूँ, वो मैं लैपटॉप से लेके कर रही हूँ फॉरवर्ड, सर मेरे को प्लीज 2 मिनट दीजिए आप। एक बार मेल करो भाई, तुम्हारा सील खुलता ही नहीं है, एक बार मेल करो मेरे को, हाँ लैपटॉप में एक बार मेल करिए, घनश्याम अगर जीएस पे में, हाँ एक बार मेल करिए सब जना, जो जो को मैं बोला वो लोग की मेल करना अपना सीवी को,
फटाफट करिए मेल। हाँ हरी मेल करिए। हाँ मेल आया सर नहीं मेरे आपका पास मेल अभी आईडी तक, क्या है? मैं व्हाट्सअप किया हूँ। जल्दी, अभी तक मेरे को मेल नहीं आया, जल्दी से आ रही। हितेश मेल करो। हितेश सरा, ठीक है, संजना, ये 3 जन 4 जन मेल करो मेरे को। आपका भाई मेल नहीं है, आप खाली मेल आईडी है बस। हितेश तुम्हारा मेल नहीं है, संजना खाली 1 जन का है मेरे को, सरा मंसूरी का। जल्दी जल्दी करिए, एक मेल करिए, 1 CV करने से हो जाएगा। सर बट अभी मैंने उसमें कुछ चेंजेस नहीं किया है, मेरे को मेल एक बार मतलब कर दो, जो आपका सीवी है उसके बेसिस में बोल रहा हूँ, एक बार को मेल करो आप एक बार। ठीक है, जल्दी मेल करिए हितेश और संजना क्विकली। हाँ एक मेल करने से हो जाएगा, कोई भी सीवी का फॉरवर्ड मेरे को कर दो। ठीक है। कर दिया सर, कर दिया। गोविंद का है, ठीक है, जल्दी जल्दी मेल करो। हाँ मेरे लीजिए रहेगा, नीचे देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ गोविंद आवाज आ रहा है, मैं गोविंद कर रहा हूँ, मैं फटाफट दिए गोविंद। वीडियो ऑन रखेगा शेफाली सज्जन, सर ठीक है, मेरा नेट दोनों थोड़ा सा स्लो है जाने में। सर सर ठीक है। हम उसको बोल रहे हो गोविंद को, तुम करो। ठीक है। हरी गोविंद आवाज आ रहा है आपको मेरा? हरी गोविंद आवाज आ रहा है? हाँ सर, ठीक है ठीक हाँ सर, है हाँ सर, ठीक है। हेलो गोविंद, हाउ आर यू? बोलो। आई आई एम फाइन। इज दिस द राइट टाइम टू स्पीक? फाइन सर, यस यस, आप लोग लिखते जाएगा मोटा मोटी, ठीक है। इज द राइट टाइम टू स्पीक? एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर अ अपॉर्चुनिटी, देर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी इन बेंगलोर, आर यू ओके विद इट? यस सर। ओके, दिस प्रोफाइल इज फॉर आवर इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल इन बेंगलोर लोकेशन, एंड वी सॉ योर सीवी एंड वी थॉट इट्स अ गुड प्रोफाइल फॉर यू, सो आर यू इंटरेस्टेड इन इट? यस सर, आई ओके, वेयर आर यू करेंटली वर्किंग? एम वर्किंग इन अ माइनिंग कंपनी, इट्स नेम श्रीराम एसोसिएट। ओके, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी? सर इट्स 10 लाख एंड व्हाट्स योर करेंट सैलरी? सर करंटली आई एम गेटिंग 6 लाख। अब आपको एक्सपेक्टेड सैलरी भी वो लोग काट देगा, ठीक है, तो तुमको एक्सपेक्टेड सैलरी में ध्यान देना है, ठीक है, नहीं तो वो लोग गेट बैक टू यू कर देगा। तो वहां पर मैं एक्सपेक्टेड सैलरी करेंट सैलरी एक ही रखना है एक बार के लिए, कि एक बार कॉल शेड्यूल हो जाए तो तुमको जितना तुम्हारा करेंट सैलरी है उतना ही तुम्हारा एक्सपेक्टेड होगा, तो उसमें 6 लाख ही रखना है, प्लीज रिमेंबर दिस। अगर सी ए फ्रेशर है
तो 6 to से उसको 7 to 9 lakh का रेंज देना है। तो उसको बोलना माई एक्सपेक्टेड सैलरी वीडियो प्लीज ऑन रख लो, हितेश कुमार डोना, ठीक है एवरीबडी। हाँ डोना, तो व्हेन दे आस्क यू अबाउट द करेंट सैलरी, बिकॉज दे विल आस्क यू अबाउट योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन सैलरी जब भी पूछेगा तो ओके आपको यस मैं दिखा देता हूँ, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन रिलेटिंग टू सैलरी, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटिंग टू सैलरी, रिलेटिंग टू सैलरी, ठीक है ये पूछेगा। अब अगर तुम सेमी सीए है तो तुम मुझको एक बार के लिए बोलेगा कि आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर रिजल्ट, आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर रिजल्ट, हितेश लिख लो ग्रुप में, संजना लिख लो। अगर तुम सेमी सीए है तो आई एम लुकिंग फॉर रिजल्ट, तो आई विल बी नॉट गिविंग इंटरव्यू राइट नाउ, आई विल बी डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन कंपनी आफ्टर माई सीए रिजल्ट। ये तो सीबी ब्लॉक हो जाएगा। इफ यू आर अ सीए क्वालिफाइड देन, और सीए में क्वालिफाइड, तो तुमको अपना सैलरी जो अगर तुमको मिल रहा है उतना ही बोलना है। अगर 15 लाख तो 15 लाख, 6 लाख तो 6 लाख। ये पॉइंट को लिख लो ग्रुप में फटाफट, सब जन लिख लो। जो तुमको मिल रहा है उतना ही तुमको बोलना है, और तुम्हारे हाथ में अभी कुछ नहीं है, तो 6 to 9 lakh, 6 to 9 lakh। ये पॉइंट्स को फटाफट सब जन लिख लो, क्लियर कर लो एक्सपेक्टेड सैलरी फटाफट। और अगर तुम्हारा सैलरी मिल रहा है, ये बात हमको सबका चाहिएगा एक्सपेक्टेशन, बिकॉज इसको लेके लफड़ा होगा, एक्सपेक्टेशन सैलरी। ये एक बार ग्रुप में लिखना भाई, नोट्स में मत लिख लेना, सब कुछ ग्रुप में, सब जन करू ना। एक्सपेक्टेड सैलरी तुम लिखो अपना 10 लाख ग्रुप में, एक्सपेक्टेड सैलरी को 10 लाख। तुम्हारा जो सैलरी है जल्दी लिखो। लक्ष्मण ठीक है, वेरी गुड लक्ष्मण। अभी तुम ये लिख दो ग्रुप में, आई एम अ सीए फाइनलिस्ट, तो आई एम लुकिंग फॉर द, आई एम वेट फॉर द रिजल्ट, देन ओनली आई विल अप्लाई, बट थैंक यू फॉर योर कॉल, आई एम वेरी हैप्पी, आई विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू आफ्टर माई रिजल्ट। सीवी ब्लॉक हो जाएगा अगर दे दिया तो इंटरव्यू, तो सीवी विल गेट ब्लॉक इफ यू गिव इंटरव्यू बिफोर द रिजल्ट। ये पॉइंट लिख लो। हरी गोविंद तुमको कितना मिल रहा है, 6 लाख, तुम 6 लाख ही बोलेगा एक्सपेक्टेड सैलरी, ग्रुप में लिख लो। इसलिए ग्रुप में लिखवाते हैं भाई, किताब में लिखने से गलत ज्ञान जाएगा। तुम्हारे लिए एक्सपेक्टेड सैलरी हो गया, फॉर यू लिख लो अपना एक्सपेक्टेड सैलरी, फॉर यू, फॉर मी इट्स इतना, ठीक है। ज्योति लिख लो, समृद्धि तुम लिखते जाओ अपना एक्सपेक्टेड सैलरी, सर नितेश कुमार आई हैव अ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सैलरी। एक सेकेंड पहले एक्सपेक्टेड सैलरी सर, खत्म करता है, 1 मिनट। हाँ साहिल, तनु एक्सपेक्टेड सैलरी जो सैलरी वो लिखते जाओ अपना, जो तुमको अभी करेंट सैलरी मिल रहा है उतना ही बोलना है, उससे ज्यादा बढ़ाएगा तो फिर वो लोग नहीं लेगा। बाद में इंटरव्यू होने के बाद में बार्गेनिंग करना है, बार्गेनिंग बाद में होगा, अभी बार्गेनिंग करेंगे तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा शेड्यूल फिर, ठीक है। ज्योति तो 9 लाख मिल रहा है ना, 9 लाख ही लिखना है, 9 से ऊपर मत बढ़ जाना, ठीक है, नौ, ओके 9 to 10, ठीक है। ओके हाँ बोलो हरी। नहीं हितेश सर, तुम लिख दो, एक आपका मिनट हितेश तुम आपने लिखो ग्रुप में, हितेश लिख दो अपना, क्या मैं सीए, आई एम सीए फाइनलिस्ट राइट नाउ, आई विल वेट फॉर द रिजल्ट, ग्रुप में लिखो ऐसे करके, आई एम सी ए फाइनलिस्ट नाउ, आई विल वेट फॉर द रिजल्ट आफ्टर माई रिजल्ट, और आफ्टर रिजल्ट 6 to 9 lakh, ठीक है। एक चीज और इसमें याद रखना है, आई एम करेंटली अ फ्रेशर, आई एम करेंटली अ फ्रेशर, आई एम करेंटली अ फ्रेशर, अगर आपका सी ए बन जाता है सीए में, आई एम करेंटली अ फ्रेशर, सो सैलरी इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, सैलरी इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, सैलरी इज नॉट अ कंस्ट्रेंट फॉर मी, फॉर मी आई एम लुकिंग फॉर द जॉब एज दिस प्रोफाइल इज माई ड्रीम प्रोफाइल, ड्रीम जॉब प्रोफाइल, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो कन्वीन, हम लोग ग्रुप में लिख रहे हैं, कन्वीनियंट विद द लोकेशन, ठीक है। आई एम ऑल्सो कन्वीनियंट विद द लोकेशन, तो सैलरी इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, ये आपको बाद में बोलना है। हाँ हरी बोलो। नो सर, आंसर मिल गया हमको जो आप बोले, वो एक्सेप्ट नेगोशिएशन बाद में करना चाहिए सर। नेगोशिएशन आपको बाद में, इंटरव्यू देने के बाद, ठीक है, नहीं तो हाँ इंटरव्यू नहीं होगा आपका। ठीक वेरी गुड, ठीक है। जी आई एम एम एस सी एंड सर, वेटिंग फॉर रिजल्ट, ये पॉइंट भाई हितेश अभी नहीं लिखेगा, बात समझ में आ रहा है, हितेश कहाँ है, हितेश
वीडियो ऑन कर लो हितेश, दिख रहा है नहीं मेरे को, कहाँ है? सर। है हाँ, ये हाँ पॉइंट बाबू तुम्हें ना, देखो सीए पहन ली, वेटिंग फॉर रिजल्ट लिखा वहां तक ही है, जब तुम सीए बन जाएगा उसके बाद लिखो कि आई एम अ सीए फ्रेशर, नॉट अ कंस्ट्रेंट फॉर मी, आई एम लुकिंग फॉर जॉब एज दिस प्रोफाइल इज माई जॉब प्रोफाइल कन्वीनियंट, बाद में लिखेगा, गलत ज्ञान मत कर देना पूरा दो, फिर हमको मत बोलना बाद में कई बार यार ये हो गया हमसे, ये वाला काम मत करना, समझ में आया ना? ये दो अलग अलग ज्ञान है, सेमी सीए में वेटिंग फॉर रिजल्ट और उसको अलग से जब तुम बनेगा उसके बाद, ठीक है? क्लियर है ना दो इसको, लेके अलग इसको पॉइंट अच्छे से, बोल रहे हो, दो हाँ अलग हाँ पॉइंट सीए बोल रहे बनने के हो। बाद भाई, वो सीए बनने ओके के बाद, ठीक है? ये दो अलग अलग है, इसको कर लो, इसलिए लिखवाते हैं आप लोग को, हम लिखवा रहे भाई, लिखवाता नहीं कोई। सैलरी रिक्वेस्ट नॉट टू बी डन ड्यूरिंग द प्री स्क्रीनिंग कॉल, वेरी गुड वेरी गुड। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, वो बोला आई एम लुकिंग फॉर सी, आप तुमको हरी, आप ध्यान देना हरी बाबू, हाँ। अब बोला कि वी आर लुकिंग यस फॉर सर। जॉब इन इन बैंगलोर, वी आर लुकिंग फॉर जॉब इन बैंगलोर, डू योर रिलेटिव वर्क इन बैंगलोर, जो रिलेटिव आर देयर इन बैंगलोर, क्या बोलेगा भाई हरी? एक्चुअली देयर इज नो कनेक्शन इन बैंगलोर, देयर इज नो रिलेटिव इन नहीं बैंगलोर। चलो हमको पकड़ लिया, इसका लिखते जाओ, यस यस आई हैव रिलेटिव्स, माई चाचा जी इज देयर इन बेंगलोर, ठीक है लिख दो, रिलेटिव्स आर देयर, ठीक है लिखते जाओ, जो तुम्हारा जो भी लोकेशन से आएगा रिलेटिव है हमारा, ठीक है रिलेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल का कॉल था, लिखते जाओ पहले, लिख लो यस, हमेशा यस, सब दिन फटाफट यस लिख दो, जिधर है बोले रिलेटिव के लिए हमेशा यस करना है। फिर बोला एक्चुअली वे लुकिंग फॉर एन इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल, डू यू हैव द एक्सपर्टीज इन दिस, इफ यस देन हाउ मेनी इयर्स, क्या बोलेगा अरे? सर एक्चुअली इंटरनल ऑडिट मैंने 2 साल किया था पहले, जब सीए फर्म में वर्क कर रहा था। तो बोला यस आई आई हैव हैव 2 years एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस ओके वी हैव द इन। ओके वैकेंसी फॉर कॉस्टिंग प्रोफाइल इन बैंगलोर, तुम क्या बोलेगा? डू यू हैव एक्सपर्टीज इन कॉस्टिंग? या आई हैव एक्सपर्टीज इन कॉस्ट। वी हैव आई वैकेंसी इन वर्क फाइनेंस प्रोफाइल, वी हैव वैकेंसी इन फाइनेंस प्रोफाइल, डू यू हैव एक्सपीरियंस इन दिस डोमेन? यस आई हैव एक्सपीरियंस इन दिस डोमेन। आई वर्क इन कंपनी एंड आई एम लुकिंग अकाउंट फाइनलाइजेशन एंड ऑल द वर्क ऑफ द रिलेटिंग टू सब जन फाइनेंस। वीडियो ऑन रखो बाकी जन, ठीक है हरी को छोड़ के, हरी पर तुम, हाँ वीडियो ऑन रखेगा ज्योति करुणा तन्नू, ठीक है? तो यू हैव एक्सपीरियंस, और जोर से बोलो भाई हरी, हाँ। तो ये वाला क्वेश्चन ओके तुमको सर। यस ही बोलना है, यस ही बोलना है, हाउ मच इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव इन दिस डोमेन इंटरनल ऑडिट? मोर देन 2 years एक्सपीरियंस इन इंटरनल ऑडिट मेजोरिटी ईयर्स आई हैव डन इन दिस प्रोफाइल एंड ओनली, ठीक है? अब वो क्वेश्चन बोलेगा लुकिंग एट योर रेज्यूमे, लुकिंग एट, अब वो क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछेगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन पूछा डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, ओके डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन दिस डोमेन, ओके इन दिस पर्टिकुलर डोमेन फॉर विच वी आर हायरिंग, तो इन पर्टिकुलर डोमेन फॉर विच वी आर हायरिंग, फॉर विच वी आर हायरिंग, ठीक है विच वी आर हायरिंग, तो इसको यस कर देना है। सेकेंड थिंग, इसको यस करना है, फिर वो बोलेगा लुकिंग एट योर रेज्यूमे, लुकिंग एट योर रेज्यूमे, इसको यस कर देना, लिख देना लुकिंग एट योर रेज्यूमे वी फील यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, वी फील यू डोंट हैव द रेलिवेंट एक्सपीरियंस, वी फील यू डोंट हैव द रेलिवेंट एक्सपीरियंस, लुकिंग एट योर रेज्यूमे वी फील दैट यू डोंट हैव द रेलिवेंट एक्सपीरियंस, इसका क्या बोलेगा? तुमको पहले बोला यस एक्सपीरियंस है, तुम बोला यस मेजोरिटी एक्सपीरियंस, उसको अच्छा से लिखे, सर। लुकिंग एट योर रेज्यूमे वी फील यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस, क्या बोलोगे? आई वर्क इन द मींस इन अ सीए फर्म। आई वर्क इन सीए फर्म एंड आई डू द इंटरनल ऑडिट ऑफ